कहेगा दरोगा से, दरोगा कहेगा सिपाही से, लेकिन सिस्टम किसका रहता है? सिपाही का। ऐसा है देखिए, सिस्टम सिपाही का नहीं, एसपी का है। अभी आपको नहीं मालूम होगा, हम लोगों ने 56 बोरे यहाँ से लेकर हम वहां जाता था सर, रात को 10 बजे तक हम लोगों ने उसके यहाँ छापे मार करके अवैध बरामद किए 13 बोरिए। आप ये सब क्यों? किन परिस्थितियों में हम लोगों का इस समय सबसे पहला सुनिए, प्राथमिकता है 22 करोड़ वृक्षारोपण, उसके बावजूद भी आकर के हम लोग इतने कार्रवाई कर रहे हैं, इसको आपको तो एप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप इसको नकारात्मक दृष्टि क्यों देख रहे हैं भाई? आप पत्रकार है ना, आप चौथा स्तंभ है, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसको प्रेरित करने के लिए है कि ये सब निगेटिव बात करने के लिए? बताइए, निगेटिव बात जब करनी पड़ती है कि जब जैसे कार्रवाई करके? नहीं नहीं, कार्रवाई नहीं, हम आपके हिसाब से हमेशा नहीं कार्रवाई करते। वन विभाग में मैंने ये देखा है, जब क्या होता है कि कोई छोटा मोटा चोरी करता है तो काफी लंबी सजा मिल जाती है। मिला है बताइए, आप उदाहरण एक बता दीजिए। सैकड़ों उदाहरण आप एक बताइए, समय में एक बताइए। आप किसी आपको इस तरह की बहस मत कीजिए, आप बताइए साहब, यहाँ गड़बड़ कार्रवाई आप ही लोगों ने कहा सर, हम लोगों ने इसमें कोई बता रहे हैं आप, उसको मैं कर रहा हूँ। आपको देवरान में जो है आजकल तो वहाँ पे एक खेत में रखवाई हुई है। अरे तो ठीक है भाई, हम लोग नहीं करेंगे, नहीं कार्रवाई करेंगे तो आप किसी के ऊपर दोषारोपण कीजिए। कहाँ कह रहे हैं आप, किस कह रहे हैं? देवरान की बात हो रही है, ये आरा मशीन का माफिया है ये। चलिए नाम बता दीजिए। और हमने आपको आप एक महीना पहले आपको अवगत कराया था सर। क्या नाम है? जी जी, कितने रोज 10 लोग आते हैं, हम 10 जगह भेजते हैं, हमें भी याद नहीं जी। तो बता दीजिए उसका नाम। नहीं, नाम बताने में आपको क्या दिक्कत है? जब आप इतना डर रहे हैं तो डरने की बात क्या है सर? हमने आपको सब कुछ बताया था, आपने एरिया भी पूछा था, आपने किलोमीटर भी पूछा था, हमने सब कुछ बता दिया था। अब आप उसके बाद नहीं बताएंगे तो हम तो ये संशय में स्पष्ट होता है कि आप कल कुछ कुछ करना ही चाहते हैं। आप सब कुछ सोचने के लिए जी स्वतंत्र हैं जी, आप सबको गाली दे सकते हैं, आप सब नहीं, हम गाली गाय को देंगे। अरे लोग नाम बता दिए, नाम आपसे पूछ रहा हूँ, आप नहीं बता। अब आप स्वतंत्र है ना भाई, अभी आपको कहना हो जाएगा कि आपका कुछ व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत कौन सी है? मैं नहीं, हमने किसी है जी जी, जिसने जो गड़बड़ करेगा उस पर कार्रवाई भाई। सीधी सीधी बात है भाई, अगर हम आपको कोई हम आपको कोई भी सूचना दे रहे हैं आपको, ये तो कम से कम बनता है कि आप वहाँ कम से कम किसी भी फॉरेस्ट गार्ड को पहुँचाएंगे, आखिर स्थिति क्या है? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ है ही। जी जी, पर्वतलाल हाँ, पर्वतलाल अभी हम लोगों का फोकस जो है जी जी, इस समय मैं स्वयं कहता हूँ कि इसमें हमारा पूरा फोकस 22 करोड़ क्योंकि हमको 22 करोड़ 9 तारीख करना है। हमारे लोग लगातार फीडिंग हो रही है, लगातार इंडेड जनरेशन हो रहे हैं, लगातार पौधान हो रहा है, हमारी पूरी फोर्स उस पर लगी हुई है। इसमें आरा मशीन का कटान हो रहा है, तो आप कृपा करके आरा मशीन पे बहुत ज्यादा फोकस अभी मत कीजिए, तो जरूरी है। अरे हम तो कभी भी आ जाते हैं, 9 तारीख के बाद अगले धंधों के पहले आ जाएंगे। नहीं तो 9 से पहले 9 तक तो आप व्यस्त हैं, 9 के बाद बताओ आपको पूरा सिस्टम दिखा देंगे। भाई हम बिल्कुल देना चाहते हैं, यहाँ पे जहाँ जो इतने का जुर्माना किया जाता है उसका 10 गुना लिया जाता है। जो सर लोकल में बात लोग अभी आप आराम मशीन के बारे में बहुत ज्यादा प्लांटेशन के बारे में बात आइए, आप लोग आप लोग सारे पत्रकार ध्यान लीजिए, 5 ने यहाँ पर नगण है 7-5 हम तो ऐसे ऐसे लोग नगर हैं और काम करके आए हैं 1-6 जहाँ की 150 आराम मशीनें चलती है, सुरेंद्र सिंह लाइसेंसी, और 150 अवैध मशीनें चलती थी अवैध बिना लाइसेंस की, जिसमें हम लोग कार्रवाई करते थे। तो यहाँ तो शायद गिनती कर सकते जिले में 5-7 कार्रवाई हुई है, पहली बार हुई है। कितने यहाँ पर? 38 नहीं, उसमें से 4-5 नगर है सर, 38 नगर हुई। सर को तो ये लग रहा है कि अभी ज्यादा हमारी मुलाकात हुई नहीं है, वरना वन विभाग में हमने